स्वच्छता के बाद अब ट्रैफिक और मतदान में नंबर वन बनने की तैयारी कर रहे इंदौर शहर में मतदाता जागरूकता के साथ ही यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां जैन दिवाकर महाविद्यालय की ओर से इसी तरह का एक कार्यक्रम आयोजित कर वाहन चालकों और मतदाताओं को जागरूक किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जैन दिवाकर महाविद्यालय में आयोजित मतदाता और ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम में डीएवीवी के पूर्व कुलपति नरेंद्र धाकड़, डॉक्टर प्रकाश गढ़वाल, अंजना धाकड़ समेत तमाम गणमान्य जन मौजूद रहे। इस दौरान विद्यार्थियों ने अलग अलग तरीकों से लोगों को मतदान और ट्रैफिक के लिए जागरूक रहने का संदेश दिया है। वो 13 तारीख को मई को ये अवेयरनेस का, ट्रैफिक अवेयरनेस का और वोट डालने का, ये 60-70 बच्चे शामिल हुए। ये वोट डालने जरूर डालें और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं, ट्रैफिक में नंबर वन आना है। मेरा भी आप लोगों के माध्यम से इंदौर शहर की जनता से अनुरोध है कि आगामी 13 मई को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए वे अधिक से अधिक सभी लोग मतदान करने निकलें, और मतदान एक पर्व है और इसमें उत्साह के साथ भाग लें, मतदान करें, यही मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से। यातायात को लेकर इंदौर नंबर वन बने, ये हम लोगों की भी इच्छा है कि इंदौर शहर पूरे देश में ट्रैफिक के मामले में नंबर एक हो, और इसके लिए आवश्यक है ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता, आम नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी हो, ये बहुत आवश्यक है। जब आम नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी होगी और वो यातायात नियमों के प्रति सचेत होंगे और वो नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित तौर पे शहर का यातायात व्यवस्थित होगा और इंदौर ट्रैफिक के मामले में भी नंबर एक हो जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के जो विद्यार्थी हैं, ये शासन की समस्त योजनाओं के प्रचार प्रसार में अग्रणी रहते हैं। अभी 13 मई को इंदौर में लोकसभा का चुनाव होना है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के सारे जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं, ये जन जागरूकता के अग्रदूत बने हुए हैं और उन सब लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो मतदान के दिवस को छुट्टी के रूप में, पिकनिक के रूप में मनाते हैं। तो बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से, नुक्कड़ नाटक से, रैली से और भी दीवार लेखन से, पत्र लेखन से, अन्यान्य तरीक़ों से मतदाताओं को, जन आम जन को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 100% मतदान हो और देश में एक सशक्त मजबूत सरकार हो जो राष्ट्रहित और देशहित में काम करे। और ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय द्वारा, और हमें, हमारा पहला अधिकार है मतदान देना, तो अवश्य आप सबको, हम सबको मतदान करना है और ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए हम सबको जागरूक रहना चाहिए और उन नियमों का पालन करना चाहिए और करवाना चाहिए, इस देश की सुरक्षा इसी पर निर्भर है। आपका परिचय? मैं श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय से मिसेस अंजना धाकड़। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वच्छता के बाद अब ट्रैफिक और मतदान में नंबर वन बनने की तैयारी कर रहे इंदौर शहर में मतदाता जागरूकता के साथ ही यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां जैन दिवाकर महाविद्यालय की ओर से इसी तरह का एक कार्यक्रम आयोजित कर वाहन चालकों और मतदाताओं को जागरूक किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MB News, इंदौर।